बेटा इन माय लास्ट वीडियो कपल में मैंने आपको बेटा रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स एंड कपल उसे कुछ रिजल्ट बताए थे बेटा, जैसे एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, कपल लग रही है, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है किसके पैरेलल आ रहा है बेटा, फोर्स के पैरेलल एक रिजल्टेंट फोर्स आ रही है हमारे पास। वो कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा था बेटा, कपल अपॉन जो फोर्स लग रही है बेटा, ये हमने प्रूव किया था। एक हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था बेटा, मोमेंट नंबर ऑफ फोर्स लग रही है एक बॉडी पे, ठीक है, तो हमने बोला मोमेंट ऑफ कपल क्या था, रिजल्ट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट बेटा, हमने ये सम रिजल्ट पढ़े थे बेटा। तो आज मैं इसकी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए रॉड ए बी ऑफ वेट कितना है 10 kg इज प्लेस ओरिएंटली ऑन टू स्मूथ पैच, मीन्स दो हमें सपोर्ट लगा दी उसकी, वन एक्ट एट ए अदर एक्ट एट सी। देखो बेटा एक रोड है, टू स्पोर्ट लगा दी, एक यहाँ पे स्पोर्ट लगाती बेटा, एक यहाँ पे। इस बोर्ड इस रोड का वेट कितना दिया हमें 10 kg, तो यहाँ पे स्पोर्ट लगाई है, आपको मालूम है एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा तो इसके ऑपोजिट क्या लगेगा, एक रिएक्शन आर वन, एक यहाँ पे लग गई बेटा आर टू, ये ए ये सी, ए भी हमें रोड दी हुई है, एंड अपवर्ड वर्टिकल फोर्स पी 10 kg इज अप्लाई एट द एंड पी, यहाँ पे मैंने 10 kg फोर्स लगा दी बेटा, शो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ द बार इज नॉट पॉसिबल बेटा, क्लियर है। मैंने आपको जो मैंने एक लास्ट वीडियो में थ्योरम की थी बेटा, उसमें क्या बताया था, फोर्स एंड कोप्लैनर कपल ऑफ मोमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल कपल। तो आप सोचोगे यहाँ पे कपल और फोर्स कहाँ है, लग रही है देखो जो ये है बेटा दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपल फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, और इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स लगी, पैरेलल फोर्स है, यहाँ पे एक रिजल्टेंट लग गया बेटा, किस पे डी पॉइंट पे आर, आर वन प्लस आर टू। तो ये सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, एक फोर्स और एक कपल। तो मैंने क्या प्रूव किया था बेटा, उसमें फोर्स लग रही है, कपल लग रही है, तो ये फोर्स डिस्प्लेस हो जाएगी कितने डिस्टेंस पे, मोमेंट ऑफ कपल अपॉन फोर्स, इतने डिस्टेंस पे मूव हो जाएगी। तो ये सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, सपोज ये सारा सिस्टम यहां पे आ गई फोर्स इस डिस्टेंस पे जी अपॉन आर, ये डिस्टेंस मूव कर गया, ये फोर्स मूव कर गई। तो क्लियर है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, क्यों, यहां पे एक फोर्स रह रही है, कौन सी, ये फोर्स आर फोर्स, कितने डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस, तो ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब ये बैलेंस होती जैसे एक फोर्स जहां पे लग रही है, एक फोर्स जहां पे, हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हमारे पास क्या रह रही है, एक फोर्स रह रही है। इसके बाद बेटा सेकेंड एग्जाम्पल, वो क्या है, P and Q are two like parallel forces. P and Q, two like parallel forces. A couple of moment G, a couple of moment G is combined with them. Show that resultant is displaced through a distance g upon p plus q. बेटा वही रिजल्ट जो मैंने बताया बेटा, यहां पे टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं बेटा, ये टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं p q, तो इनका रिजल्टेंट यहां पे आ गया, कहां पे आ, यहां पे क्या लग रहा है, कपल ऑफ मोमेंट जी कंबाइन विद कपल ऑफ मोमेंट कितनी कितना लग रहा है बेटा जी। तो ये सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, एक फोर्स और एक कपल, तो ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे डिस्प्लेस होगा बेटा, यहां पे आ गया, कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कैसे निकालना है बेटा, मैं आर्टिकल में आपको थ्योरम में कराया था ना बेटा, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट
मोमेंट ऑफ कपल और रिजल्टेंट किसके इक्वल है बेटा P प्लस के। यदि यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्स ही दी होती बेटा, सपोज हमें दी है पी क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू, तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे आता है यहाँ पे, क्या आ गया पी माइनस क्यू और एक कपल ऑफ मोमेंट, तो डिस्प्लेस कितना होता है बेटा पी माइनस क्यू। बस ध्यान रखना बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस है या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बेटा, एग्जांपल थर्ड की स्टेटमेंट क्या है बेटा, रिप्लेस ऑफ 120 केजी वर्टिकल फोर्स एट द पॉइंट 40 बाय वर्टिकल फोर्स एट द ओरिजिन एंड ए कपल हूज फोर्स whose forces are horizontal and passing through the point 00 and 03। बेटा देखो क्या कह रहे हैं, रिप्लेस 120 केजी वर्टिकल फोर्स एट एट ए पॉइंट 40। देख रहा बेटा ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, यहां पे फोर्स ले ली बेटा मैंने 120 केजी लग रही है फोर्स, ठीक है। इसने क्या 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 रिप्लेस द 120 केजी वर्टिकल फोर्स एट द पॉइंट 40 बाय द वर्टिकल फोर्स एट द ओरिजिन। मैंने यहां पे 120 केजी यहां पे ले ली फोर्स, 120 केजी यहां पे ले ली, कहां पे ओरिजिन पे, तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा बेटा सिस्टम पर, सेम रहेगा। ये क्या है बेटा कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या हुआ बेटा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, मोमेंट ऑफ कपल ये देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा बेटा 120 इंटू 4। इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, ओरिएंटल फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 00 एंड 03। एक तो ये ले लिया बेटा फोर्स, यहां पे ले ली मैंने एफ, एक यहां पे ले ली बेटा 03 पे एफ, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हुआ बेटा इसका, मोमेंट ऑफ कपल एफ इंटू ये डिस्टेंस कितना है 3। तो बेटा रिप्लेस किया है, रिप्लेस तो तभी होगा जब मोमेंट सेम होगा बेटा इनका, 120 इंटू 4 एफ इंटू 3, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा 160 केजी। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल बेटा, लास्ट बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको मैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बेटा इसके बारे में बात करेंगे मेथड के बारे में। फोर्थ एग्जांपल, ए फोर्स ऑफ 50√2 kg इज एक्टिंग एट ए पॉइंट 32, ए पॉइंट दिया है 32 ऑफ द एक्स वाई प्लेन एंड इज इंक्लाइंड ·45 to the x-axis. Shift its point of application to the point
-40. फाइंड द मोमेंट ऑफ कप, हमने मोमेंट ऑफ कप निकालना बेटा। मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया ना बेटा, शिफ्ट कब होगी बेटा, जब एक फोर्स और एक कपल लग रहा है, वो ही हमने यहाँ पे निकालना है, उस कपल का मोमेंट किसके इक्वल है। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने मोमेंट ऑफ कपल क्या बताया था बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस बेटा। तो हमने कैसे करना है बेटा, एक फोर्स यहां पे लग रही है बेटा, कितनी 50√2, किस पॉइंट पे बेटा, 32। ओके, तो जो फोर्स है यहां पे शिफ्ट कर गई बेटा, किस पॉइंट पे, -40। तो हमारा जो रिजल्ट थ्योरम थी उसमें क्या था बेटा, एक इसके पैरेलल शिफ्ट होगी ना फोर्स, कब होगी, जब उस सिस्टम पे एक फोर्स और एक कपल लग रहा है, हमने कपल का मोमेंट निकालना है बेटा, तो उसका मोमेंट किसके इक्वल था, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इनका रिजॉल्व पार्ट, ये एंगल हमें क्या दिया हुआ 45 डिग्री, तो इसका रिजॉल्व पार्ट इस तरफ क्या आ गया बेटा, कॉस 45 डिग्री, कितना हो गया 50, और इसका बेटा 50√2 साइन 45 डिग्री, ये भी कितना आ गया 50। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल, इस फोर्स का इफेक्ट दोनों के इक्वल है ना बेटा, इन दोनों फोर्स का इफेक्ट इसके इक्वल है रिजल्टेंट। तो ये देखो, ये फोर्स यहाँ पे लेगा बेटा, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल होगा, ये फोर्स आ रही है बेटा, ये फोर्स ये अबाउट बी निकालना है, ये निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट की है ना बेटा, तो मोमेंट इसका निकालेंगे इस पॉइंट का, किस पॉइंट पे ये शिफ्ट है, देखो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, तो मोमेंट ऑफ कपल अबाउट बी क्या आएगा बेटा, फोर्स ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज माइनस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा इसका, कितना है बेटा ये, अब ये वाली फोर्स ये कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी है बेटा 50 इनटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है बेटा देखो 3। ओके, ये किस पॉइंट पे शिफ्ट की है बेटा, -1 पे बेटा, स्टेटमेंट में थोड़ी गलती कर गया बेटा, माइनस, तो ये 3 है ये 1 है, कितना डिस्टेंस हो गया 4, -100 + 200, तो कितना आ गया बेटा 100 kg किलोग्राम मीटर। तो ये था बेटा मोमेंट ऑफ कपल अबाउट बी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे कपल, सो थैंक यू वेरी मच।